गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी भाई लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं दोस्तों। सो गाइस इस समय हम आप लोगों के सामने देख सकते हो फेंटा लेकर आए हैं और इसका रेट सस्ता वाला है लेकिन बहुत ही अच्छा है। सो गाइस मैं आज इस जगह पे हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों और इसको पीने वाले हैं। तो पी कर देखते हैं किस प्रकार से इसका टेस्टी है। मज़ा आ गया। बहुत मजा आया। तो इस फ्रेंड्स इस जगह पे हम नदी पे आए हैं और इस जगह देख सकते हैं पानी कितना अच्छा बह रहा है। देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे बहुत ही शानदार क्या सीन है, क्या नज़ारा है दोस्तों। आप लोग को 5x पे आप लोग को इस जगह पे जूम करके दिखाया हूँ और जूम करके ही आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल टू पे कितना स्वेलिड लग रहा है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। हमारी इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रहना दोस्तों, सपोर्ट करना दोस्तों। जो भाई भी नए आते हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो आऊँ तो ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, हम गाँव से हैं और गाँव से ब्लॉग करते हैं दोस्तों, गाँव से ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। जो कुछ भी रहता है गाँव का सीन रहता है आप लोग को अच्छा लगता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है, पक चुका है, बहुत पता नहीं टेस्टी है कैसे। नए आम खा के नहीं देखे हैं, बाहर कहीं आम नहाने गए थे तब लाए हैं। तो इस जगह पे अपना ये आम को काट चुके हैं, अपना खाना खा रहे हैं। फिर मेरे निशान बेटा, बाबू क्या कर रहे बेटा, खाना खा रहे कि? सो गाइस देखते हो कि ये आम से खाना खा रहा है, मोबाइल में एक सेट लगा हुआ है और फिलहाल मैं इधर रात का बासी भात देख सकते हो। नहीं खाता नहीं, कभी कभी खाता हूँ, अच्छा लगता है गर्मी दिन में। तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसको खाएंगे। ये दाल है तो ठीक है। हेलो गाइस, तो इस समय हम आम के बगान पर आ चुके हैं और देख सकते हो इस जगह बहुत सारा आम फला हुआ है दोस्तों। अब आम तोड़ने आए हैं, आप लोगों के सामने में देख सकते हैं। सो गाइस सभी भाई लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरना देख सकते हो, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो बैक कैमरा से आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा पेड़ है लेकिन आम बहुत सारा फला हुआ है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में देखना। तो फिलहाल अभी हम लोग आम तोड़ने आए हैं और पहाड़ की तरफ आए हैं, देख सकते हैं इस जगह पे जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। या छोटा सा पेड़ है लेकिन आम बहुत सारा फला हुआ है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में देखना। तो फिलहाल अभी हम लोग आम तोड़ने आए हैं और पहाड़ की तरफ आए हैं, देख सकते हैं इस जगह पे जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। या तो हम लोग के छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं दोस्तों कितना नज़दीक में आम फला हुआ है, जमीन को छू रहा है। इस बार इस वर्ष आम का फला हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सो गाइस इस समय बहुत मक्खी झूम रहा है और देख सकते हो बहुत प्यारा प्यारा आम है और नज़दीक में बहुत सारा फला हुआ है देख सकते हो। इस जगह पे पूरा ज़मीन इतना ज़्यादा फला हुआ है ना, आप लोग देख कर ही आप लोग को आजमाइश हो गया होगा। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में देखते रहिए आम कितना
स्वीट है, कितना अच्छा है। बहुत बड़ा बागान है दोस्तों, पूरे इलाका आम का ही बागान है। पूरे पहाड़ में हिरन भी रहता है, हाथी भी रहता है, शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, हर चीज़ मिलता है इस जगह पे। मुर्गी भी मिलता है, जो भी खाने की इच्छा हो, शेर खाना चाहते हो तो शेर खा सकते हो, भालू खाना भालू खा सकते हो। लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खाते हैं, हम केवल चिकन और बकरा खाते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं कितना सारा आम फला हुआ है मेरे बैग पीछे से, देख सकते हैं। ठीक है, इधर भी खतरनाक आम बोलते हैं इसको, खतरनाक आम का पेड़, इसके जैसा शायद ही कोई इसी जगह फला होगा। कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना के कोई गम हमें छू न सके। कहीं दूर चले जाएं हम, कितना प्यारा लग रहा है, कितना मजा आएगा, इसका स्वादिष्ट, इसका टेस्टी, आप लोग खाओगे तो आप लोग इसका नाम लेते रह जाओगे। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कितना है आम सचमुच इतना ज़्यादा फला हुआ है, रियल में आप लोग को ऐसा कहीं देखने को मिला है कि नहीं मिला है, ये सब बातें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस पेड़ का पूरा व्लॉग पूरा वीडियो मैं बना लिया हूँ दोस्तों, पूरी घूम चुका पूरी दुनिया, समझ जाओ दुनिया कहने का मतलब आम के पीछे। जिस प्रकार से गणेश और कार्तिक, गणेश क्या करता है कि पूरा शंकर का पूरा चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से मैं भी इस आम का चक्कर लगा लिया फल को देखकर। तो फिर देखते, और हाथ नहीं पकड़ कर चेक कर रहे हैं लेकिन पक्का नहीं है दोस्तों, सड़िया है क्या पता नहीं। ओके गाइस, तो फिलहाल एक पाका हमें मिल गया है, इसे खाकर देखते हैं मीठा है कि सीठा है। बहुत टेस्टी है, चिक आ करो गांव वाला आम का मजा है कुछ और, पहली बात याद रखना। और जो खरीद के खाते हैं वो वाला आम को खाओ तो कुछ मजा अलग ही मिलता है, क्योंकि वो देसी भी देसी है, गाँव देहात वाला है, इसमें किस्म किस्म का मीट रहता है, एकदम खट्टा भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, गुड़ के जैसा, शक्कर के जैसा भी रहेगा, आप लोग को पता ही होगा। फिलहाल नहीं पता होगा जो आप लोग गांव के रहने वाले हो यार, आप लोग सब भी पता होगा, है ना गाइस। ओके दोस्तों, जो भी नए हो तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी को दबा लेना और लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इस समय हम आम तोड़ कर घर जा रहे हैं, घर की ओर रास्ता बाइक है, स्कूटी है, और इस बाइक से ही हम जा रहे हैं, बाइक बहुत स्कूटी, ये रास्ता जंगल में ही हम लोग चलते फिरते रहते हैं। ओके गाइस, तो गाइस सभी भाई लोग को बोलना चाहता हूँ वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। ठीक है, और जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को सबसे पहले देखना। ओके गाइस, बाय।